जब ब्लैर किर्जर स्वच्छ भारत की बात कही जाए तब इस देश के अग्रिम हरोल पंक्ति में बैठे हुए लोग हो, गांव के लोग हो, गरीब बस्ती में रहने वाले लोग हो, छोटे छोटे बच्चे हो, हर परिवार के अंदर स्वच्छता का वातावरण बन जाए, स्वच्छता की चर्चा हो, स्वच्छता के संदर्भ में एक दूसरे को रोक टोकने का निरंतर प्रयास चलता रहे। मैं समझता हूं कि ये भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रतिबिंब है। जब देश के सामने लाल किले से कहा जाए कि आज हमारे परिवारों में 3 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके घर में नल से जल मिलता है, आवश्यक है हमारे इन परिवारों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचे। जल जीवन मिशन के तहत इतने कम समय में नए 12 करोड़ परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंच रहा है। आज 15 करोड़ परिवार इसके लाभार्थी बन चुके हैं। हमारे कौन लोग वंचित थे इन व्यवस्थाओं से, कौन पीछे रह गए थे? समाज के अग्रिम पंक्ति के लोग इसके लिए अभाव में नहीं जीते थे। मेरे दलित, मेरे पीड़ित, मेरे शोषित, मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे गरीब भाई बहन, मेरे झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने वाले लोग, वही तो इन चीजों के अभाव में जी रहे थे। हमने अनेक ऐसे प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रयास किया और उसका परिणाम हमारे इन सारे समाज के बंधुओं को मिला है। हमने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। आज मुझे खुशी है कि वोकल फॉर लोकल ने अर्थतंत्र के लिए एक नया मंत्र बन गया है। हर डिस्ट्रिक्ट अपनी पैदावार के लिए गर्व करने लगा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का माहौल बना है। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट का वन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कैसे हो, उस दिशा में हर जिले सोचने लगे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का संकल्प लिया था। G20 समूह के देशों ने जितना किया है उससे ज्यादा भारत ने किया है, और भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए हमने काम किया है। साथियों, देश गर्व करता है आज जब फिनटेक की सफलता को लेकर पूरा विश्व भारत से कुछ सीखना समझना चाहता है, तब हमारा गर्व और बढ़ जाता है। साथियों, हम कैसे भूल सकते हैं कोरोना के वो संकट काल, विश्व में सबसे तेज गति से करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन का काम हमारे इसी देशों में हुआ। यही देश है जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे। जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है, तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है, गर्व से भर जाता है। और यही बातें हैं जो आज 140 करोड़ देशवासियों का मन गर्व से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। साथियों, इन सारी बातों के लिए एक सुविचारित प्रयास हुआ है। रिफॉर्म की परंपरा को सामर्थ्य दिया गया है, नक्कर तरीकों के नक्कर लक्ष्य को लेकर के, और जब राजनीतिक नेतृत्व की संकल्प शक्ति हो, दृढ़ विश्वास हो, जब सरकारी मशीनरी उसको लागू करने के लिए समर्पण भाव से जुट जाती है, और जब देश के हर नागरिक उस सपने को पूरा करने के लिए, जन भागीदारी करने के लिए, जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आता है, तब हमें निश्चित परिणाम मिलता ही रहता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम ये न भूले कि देश उस परिस्थितियों से भी दशकों तक भी आजादी के बाद समय बिताया है, जब होती है चलती है, अरे यार ये तो चलेगा, अरे हमें क्या मेहनत करने की जरूरत है, अरे मामला है आगे नई पीढ़ी दिखेगी, अरे हमको मौका मिला है यार मौज कर लो, आगे वाला आगे का जाने हमें क्या कर रहा है, हम अपना समय निकाल दे, अरे नया करने जाओगे कोई बवाल उठ जाए, पता नहीं क्यों देश में स्टेटस को का माहौल बन गया था। जो है उसी से गुजारा कर लो, यही का माहौल बन गया था। और लोग तो कहते अरे भाई छोड़ो, अब कुछ होने वाला नहीं है, चलो ऐसा ही मन मर गया था।
हमें इस मानसिकता को तोड़ना था, हमें विश्वास से भरना था और हमने उस दिशा में प्रयास किया। कई लोग तो कहते थे, अरे भाई अगली पीढ़ी के लिए काम हम अभी से क्यों करें, हम तो आज का देखें। लेकिन देश का सामान्य नागरिक ये नहीं चाहता था, वो बदलाव के इंतजार में था, वो बदलाव चाहता था, उसकी ललक थी, लेकिन उसके सपनों को किसी ने तवज्जो नहीं दी, उसकी आशा आकांक्षाओं को अपेक्षाओं को तवज्जो नहीं दी गई और उसके कारण वो मुसीबतों को झेलते हुए गुजारा करता रहा, वो रिफॉर्म्स का इंतजार करता रहा। हमें जिम्मेदारी दी गई और हमने बड़े रिफॉर्म्स जमीन पर उतारे। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, हमारे वंचित लोग हो, हमारी बढ़ती जाती शहरी आबादी हो, हमारे नौजवानों के सपने हो, संकल्प हो, आकांक्षाएं हो, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए रिफॉर्म का मार्ग हमने चुना। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सीमित नहीं है। हमारे रिफॉर्म्स की ये प्रतिबद्धता है वो चार दिन की वाहवाही के लिए नहीं है। हमारी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है, देश को मजबूती देने के इरादे से है। और इसलिए मैं आज कह सकता हूं, रिफॉर्म का हमारा मार्ग एक प्रकार से ग्रोथ की ब्लूप्रिंट बनी हुई है। यह हमारा रिफॉर्म, यह ग्रोथ, यह बदलाव, ये सिर्फ डिबेट क्लब के लिए, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के लिए, एक्सपर्ट लोगों के लिए सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। साथियों, हमने राजनीतिक मजबूरी के कारण नहीं किया है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो राजनीति का भागा गुणा करके नहीं सोचते हैं। हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, राष्ट्रहित सुप्रीम। ये मेरा भारत महान बने, इसी संकल्प को लेकर के हम कदम उठाते हैं।